वो है पालक चिकन। मैंने ले लिया है ये देसी घी, मैं इसमें डाल रहा हूँ ये जीरा, काले मिर्च, छोटी इलायची, ये दालचीनी और ये तेजपत्ता, हींग, स्लाइस प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये दो टमाटर हैं, इसको जो है मैंने मोटा मोटा काटा है डाइस कट में, और साथ ही में मैं इसमें अब डाल दूंगा नमक, ये आएगा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, चला लेंगे। तो इसके लिए मैं जो है थोड़ा पानी ऐड कर रहा हूँ, टमाटर जो है गल चुका है, और मैं इसके अंदर अब डाल दूंगा चिकन, इसके अंदर मैं डालूंगा ये देगी मिर्च, ये अब चिकन अब भुनेगा इस मसाले के, ये आगे इसके अंदर कसूरी मेथी, स्लाइस शेड किया हुआ पालक, मिला के ढक दूंगा जब तक पालक पूरी तरह से इसमें पक नहीं जाएगी, पालक ने अपना पानी छोड़ा हुआ है इसके अंदर, और इसके अंदर मैं डालूंगा ये एक चम्मच घी, ये साबुत धनिया है और इसको हल्का सा हम हाथ से ही क्रश कर लेंगे, और ये आ गया एक चम्मच लहसुन, ये आएगी थोड़ी सी मिर्ची, और ये तड़का, रंगत देखिए आप, हमारा पालक चिकन बिल्कुल तैयार हो चुका है, और इसको अब मैं करूँगा सर्व।